سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض सलावात भेजने हैं मोहम्मद हुजूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी गरा कदर और बड़ी कीमती चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ी वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी हितरत है, अहले बैत है। जब तक तुम इन दोनों के साथ रहोगे कभी हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि क़यामत के दिन मेरे पास हौज़ कौसर तक पहुँच जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हदीस है जो आलम इस्लाम में हदीस सकलैन के नाम से मशहूर है। और इसमें रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को दुनिया से चलते वक्त अपना तरका इनायत फरमाया है। जब कोई बुज़ुर्ग दुनिया से उड़ जाता है तो बाद वाले उसके ख़ानदान के लोग जो हैं उनको उस जायदाद में हिस्सा मिलता है जिस जायदाद को उनका बुज़ुर्ग छोड़ के गया है। रसूल दौलत और सरवत नहीं रखते थे, ज़र व जवाहर नहीं रखते थे, खजाने नहीं रखते थे, रसूल हिदायत रखते थे। और रसूल जो कुछ भी रखते थे वो दीन था, दयानत थी, हिदायत थी, सिरात मुस्तकीम और सच्चाई का रास्ता, ये सब हुजूर की मिल्कियत था जो लेके आए थे। जब जाने लगे तो ज़ाहिर तौर पर जब भी दुनिया से आदमी जाता है तो अपने बाद वालों की फ़िक्र एक फितरी बात है। हर बाप जाने से पहले अपने औलादों की फ़िक्र करता है, हर बुज़ुर्ग जाने से पहले अपने बाद वालों की फ़िक्र करता है। अगर आपने कोई मस्जिद बनाई है तो आपको ये फ़िक्र होगी कि मेरे बाद इस मस्जिद का क्या होगा। अगर आपने कोई स्कूल खोला है तो आपको ये ख्याल होगा कि मैं जब नहीं रहूँगा तो ये स्कूल कैसे चलेगा। जो आदमी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कोई तंजीम बनाता है, कोई इमारत बनाता है या कुछ ख़ानदान भरा पूरा छोड़ता है तो उसके लिए सोचता है कि बाद में क्या होगा। हुजूर अपने पीछे उम्मत छोड़ रहे हैं, उम्मत छोड़ रहे हैं पूरी, तो ये फ़िक्र ज़रूरी है ना कि मेरे बाद क्या होगा। और फिर ये भी समझ लीजिए आप कि ये आखिरी रसूल हैं। और रसूल जब दुनिया से गए तो उनको यकूना इत्मीनान था कि हमारे बाद दूसरा रसूल आ रहा है, हमारे बाद दूसरा रसूल आ रहा है, जो कुछ गड़बड़ होगी वो संभालेगा। वो जा रहा था तो उसने कहा हमारे बाद तीसरा आ रहा है,
जब कुछ गड़बड़ होगी तो वो संभालेगा। जो इस ऐलान के साथ जा रहा है कि मेरे बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा, उसको इतना मजबूत इंतजाम करके जाना चाहिए कि कयामत तक हिदायत होती रहे। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात गौर करने की है और ठंडे दिल से सोचने की है कि रसूल हमको किसके हवाले करके जा रहे हैं। देखिए, बहुत ठंडे दिल से सोचिए, कोई इसमें इख्तिलाफ की बात नहीं है ना झगड़े की बात है। रसूलुल्लाह हमको किसके हवाले करके जा रहे हैं? क्या रसूल उम्मत को बादशाहों के हवाले करके जा रहे हैं कि मेरे बाद जो बादशाह हो उसको कोऑपरेट करना? क्या रसूल उम्मत को ताजिरों के हवाले करके जा रहे हैं कि मेरे बाद जो तिजारत में मशहूर हो जाए उनकी मदद, उनके साथ जाना? क्या रसूल उम्मत को और किसी मालदार या किसी हैसियत वाले के हवाले करके जा रहे हैं? दो के हवाले कर रहे हैं, एक अल्लाह की किताब का, जाओ तुम्हें कुरान के हवाले किया, ए मेरी उम्मत मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरी जिंदगी के दिन तमाम होने वाले हैं, यह आफ्ताब डूबने वाला है, यह रोशनी खत्म होने वाली है, लिहाजा घबरा न जाना अंधेरे में, हम तुम्हारे पास कुरान की रोशनी देके जा रहे हैं, कुरान की रोशनी में तुम अपना रास्ता तय करना। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह ने भेजा है, कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, कुरान बंदे का कलाम नहीं है, कुरान में हर वो बात कही गई है जो इंसानी फलाह के लिए है, इंसानी बहबूद के लिए है, इंसानी कामयाबी के लिए है, इंसानी अच्छाई के लिए है। कुरान में हर वो बात कही गई है जिससे इंसान का अखलाक संवरता है, किरदार संवरता है, ज़िंदगी संवरती है, दुनिया संवरती है और आखिरत संवरती है। क्या मैं तुम्हें कुरान के हवाले करके जा रहा हूँ? लेकिन कुरान किताब है, किताब का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, किताब का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि इस जुमले का मतलब ये है, आपका ख्याल है कि इस जुमले का मतलब ये है, इसको इससे मिला के पढ़िए तो ये मतलब निकलता है, उनका नहीं यहाँ मिला के ना पढ़िए, अलग अलग पढ़िए तो ये मतलब निकलता है। लिहाजा किताब के लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक मुदर्रिस भी हो जो बताए कि किताब में लिखा क्या है। किताब के लिए कोई मुदर्रिस भी हो जो ये बताए कि किताब में लिखा क्या है, और वो मुदर्रिस रसूलुल्लाह ने मुय्यन किया। वो हम पर नहीं छोड़ा कि हम कुरान पढ़ाएं या हम मुदर्रिस मुय्यन करें या हम उस्ताद मुय्यन करें, ढूंढ के लाएं कि आप हमें कुरान का मतलब बताइए, बल्कि रसूल ही ने उस्ताद मुय्यन किए, कहा कुरान को हमारे अहले बैत बताएं। कुरान को बताने वाले हमारे अहले बैत होंगे, अहले बैत के जरिए कुरान समझ में आएगा। कुरान हर एक की समझ में आज 1400 बरस हो गए हैं, आज तमाम आलम इस्लाम ये कह रहा है कि जो कुछ है वो कुरान में है, और कुरान खुद कह रहा है कि ला रद्द बिन वला या बिस्मि अल्लाह फी किताब मुबीन, कोई खुशको तर ऐसा नहीं है जो कुरान पाक में ना हो। लेकिन आज तक बदनसीबी से हमारे जैसे लोग कुरान से कुछ निकाल ना पाए। कुरान से कुछ निकाल ना पाए कि भाई ये हमने कुरान से मालूम कर लिया, है सब कुछ कुरान में, मगर चूंकि हमारी लियाकत कम है, इसमें कुरान का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है।
देखिए आज़ीरान गिरामी बात समझिए क्या है, वो लोग कहते कुरान है समझ, अरे भाई हमारे अंदर लियाकत कम है इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ी बड़ी वो किताबें जिनको बड़े बड़े साइंटिस्ट समझते हैं, वो बच्चा जो अभी आठवें में साइंस पढ़ रहा है या दसवें में पढ़ रहा है उसके सामने रख दीजिए वो क्या समझ पाएगा। किताब रखे रखे ख़राब हो जाएगी, वो एक हर्फ नहीं उसमें समझ पाएगा निकाल पाएगा। तो इसमें किताब का कसूर थोड़ी है, इसमें बच्चे के इल्म की कमी का कसूर है कि जो किताब का लिखा नहीं समझ पा रहा है इसलिए कि इसके पास लियाकत नहीं है। तो कुरान का कसूर नहीं है कि जो समझ में नहीं आता, हमारी उम्मत का कसूर है जो समझ नहीं पाती। लिहाजा अब उम्मत किससे सीखे कुरान, तो कहा अहले बैत ही, मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत। अहले बैत इसलिए भेजे गए कि तशरीह कुरान करें। देखिए समझ लीजिए बात को, ये जो हमारे यहाँ हर वक्त बात होती है कि अहले बैत अहले बैत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत, मनाक़िब अहले बैत, मर्तबा अहले बैत, शान अहले बैत, जहाँ भी हुआ उनका कि भाई अहले बैत का तज़किरा होता है, तो ये रात और दिन जो अहले बैत का तज़किरा हुआ करता है ये क्यों हुआ करता है? इसलिए कि रात और दिन कुरान का तज़किरा हुआ करता है। आप कहेंगे कहाँ कुरान का तज़किरा हुआ करता है? अरे साहब आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नमाज तो वाजिब है, नमाज तो जो ना पढ़े वो गुनहगार होता है, तो नमाज में कुरान पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? तो दिन में पांच वक्त अगर कुरान पढ़ना वाजिब है तो कम से कम पांच दफा अहले बैत का तज़किरा तो सलावत भेज दें मोहम्मद। कुरान सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का इरशाद, अल्लाह की किताब। और इस कुरान की तशरीह और तौज़ीह के वास्ते, इसकी वजाहत के वास्ते, इसका मतलब बताने के वास्ते अहले बैत पाक जिनको अल्लाह ने इल्मे कुरान दिया है, देखिए हर एक को इल्मे कुरान नहीं मिला है, हर एक को इल्मे कुरान नहीं मिला है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुरान बता दूंगा, आप कहें मैं कुरान बता दूंगा, तो ये ज़्यादती है, हमारे आपके बस में नहीं है कुरान बताना। हम अगर अपने दिमाग से और अपनी फिक्र से और अपने जहन से कुरान बताना शुरू करेंगे तो हम लोगों को बहका देंगे, हम लोगों को बहका देंगे। हमारे पास इतनी लियाकत नहीं है कि हम कुरान पढ़ा सकें। कुरान की टेक्स्ट तो पढ़ा देंगे मगर जो मतलब है कुरान का, जो स्पिरिट है कुरान की, जो बातें कुरान कह रहा है वो हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए नहीं बता पाएंगे कि हमारी लियाकत कम है, हमारे पास इल्म कम है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा कुरान ने इसको मना भी किया है, इरशाद हो रहा है मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर रासिखून फिल इल्म। कुरान ने महदूद कर दिया कि इसकी तावील जो है यह तो अल्लाह को मालूम है, जो कुछ कुरान में लिखा है क्या लिखा है जिसका कलाम है यह तो उसको मालूम है, जो कुछ कुरान में है जो मतलब है कुरान में यह तो अल्लाह को मालूम है। ज़ाहिर है कि उसका कलाम है तो उसको मालूम होगा, जिसका कलाम है उसको तो मालूम है, लेकिन बंदों में किसी को मालूम है? तो क्या बंदों में सबको नहीं मालूम है? वर रासिखून फिल इल्म, उन लोगों को मालूम है जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं।
वर रासिखूना फिल इल्म, जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं उनको मालूम है, इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये जुमला है, ये इलाही जुमला है, कुरान का लफ्ज है, जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं, हमारे जैसों को आप ये ना समझ लीजिएगा कि हम इल्म के अंदर उतरे हुए हैं, हम इल्म के अंदर उतरे हुए नहीं हैं। हम जब पैदा हुए थे तो जाहिल थे, बिल्कुल बिल्कुल जाहिल थे। एक एक लफ्ज सिखाया गया तो हमने सीखा, एक एक जुमला पढ़ाया गया तो हमने पढ़ा, मदरसे में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, मकतब में पढ़ा, मौलवी से पढ़ा, उस मुल्क में जाके सीखी जबान, जिस मुल्क की जबान थी थोड़ा बहुत आ गया, और उसके बाद भी यकीन मानिए कि फिर भी नहीं आया। ये मजमा जो मेरे सामने बैठा है ये सब इंडियन है, ये जो मजमा मेरे सामने है ये सब इंडियन है। बेहतर से बेहतर अरबी आप इनको पढ़वा लीजिए, अच्छे से अच्छे अरब उस्ताद से पढ़वा लीजिए, मशहूर हो जाएंगे, बहुत उम्दा अरबी जानते हैं, लेकिन इंडियन सी कहेंगे कि बहुत उम्दा अरबी जानते हैं। जब खालिस अरबों में बिठाइएगा तो दो मिनट में पकड़े जाएंगे कि अरब नहीं है। जबान लैंग्वेज, लैंग्वेज का मसला बड़ा पेचीदा है, जबान का मसला बहुत पेचीदा है। हमारी जबान बर्बाद हो गई लखनऊ की, हम बोलते नहीं हैं वो जबान मगर जानते हैं, हम एक मिनट में पहचान लेते हैं कि लखनऊ वाला है कि बाहर वाला है। जहां दो मिनट बात की, खैरियत पूछी, मिजाज पूछा, वहीं पता लग गया कि कहां वाला है ये। जबान ऐसी बात है कि जो खुद बता देती है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे आप? तो कुरान क्या समझेंगे हम? जब लखनऊ की जबान और दिल्ली की जबान नहीं बोल पाता आदमी, तो अल्लाह की जबान क्या बोलेगा? अब भाई बात यह है कि जो जहां का होता है वहां की जबान को समझता है, जो मोहम्मद की गोद में पला हो, अल्लाह के घर में पैदा हो, सलावत हो मोहम्मद। मोहम्मद की गोद का फला हुआ हो और अल्लाह के घर का पैदा हो, वो समझेगा जबान को, वरना जनाब जबान तो नहीं समझ में आएगी। तो वर्रा से खूना फिर इल्म, कुरान वो समझते हैं, वो जानते हैं जो इल्म के अंदर उतरे हुए, इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। देखिए कुरान, कुरान को मैं क्या कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि इल्म का समंदर है तो समंदर कुरान के आगे कतरा है। लफ्ज़ ही नहीं है अदाए मतलब के लिए, लफ्ज़ों का दम टूट जाता है। किन लफ्जों में कहा जाए कुरान के इल्म को? कुरान की एक आयत के मुकाबले में सारी दुनिया के समंदर पानी पानी है जी। तो जो इल्म के अंदर उतरा हुआ हो,
और इल्म आप जानते हैं क्या है, कुरान का एक नाम इल्म भी है। कुरान के बहुत से नाम हैं, हम लोग आमतौर से इस नाम से वाकिफ हैं और हम जबान के ऊपर जो जबान जारी है हमारे नाम वो क्या, कुरान पाक कुरान मजीद। लेकिन कुरान के अंदर बहुत से नाम जिक्र हैं, उनमें कुरान का एक नाम इल्म भी है। कुरान का एक नाम इल्म। अब आप कहेंगे कहां पर यह जिक्र है, तो मैं हवाला भी दे दूं, आया मुबाहिला पढ़िए, फमन हाज जफी मिन बाद मा जाक मिन अल इल्म। अब भी अगर आपसे लोग कठुज्जती करे जबकि आपके पास इल्म आ चुका, तमाम मुफस्सिर कहते हैं इल्म से मुराद कुरान है, इल्म से मुराद कुरान है, तो कुरान का एक नाम इल्म है। वर रासिखूना फिल इल्म, वो जो कुरान के अंदर उतरे हुए हैं। अब कुरान में तलाश कीजिए किसके रोटी देने का तस्किरा है, किसके अंगूठी देने का तस्किरा है। सलावात वर मोहम्मद, इसकी तावील कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। वर्रासिखूना फिल इल्म, और वो लोग, रासिखूना जमा है प्लूरल, कई लोग हैं, एक नहीं है कई है, वो लोग जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। दुनिया में हमेशा रवाज यह है कि कहते हैं कि उनमें बहुत इल्म है, ये हमारे अंदर इल्म उतरता है, न ये कि हम इल्म में उतरते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, एक बच्चा पैदा हुआ तो ये समझ लीजिए ये खाली बर्तन है, ये एक लड़का पैदा हुआ तो समझिए खाली प्याला है ये। अब आपने इसको पढ़ाना शुरू किया, तो इसके अंदर इल्म आने लगा। अब इसने मान लीजिए उर्दू सीखी, गुजराती सीखी, अरबी सीखी, फारसी सीखी, अंग्रेज़ी सीखी, और जो दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जहाँ जहाँ जिस माहौल में रहा वहाँ वहाँ की ज़बान उसने सीखी, मसलन जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी, जो भी सीखा, जापानी सीखी, चीनी सीखी, तो इल्म इसके अंदर उतरा। कानून पढ़ा, वकील बन गया, मेडिकल साइंस पढ़ी, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो उलूम पढ़े, कुछ पढ़ा बन गया। तो इल्म इसके अंदर है, नहीं है कि ये इल्म के अंदर है। अब जितना एक आदमी में इल्म समा सकता है उतना है उसमें, यानी जिसके लिए हमने ये सुना कि ये बड़ा अच्छा इंजीनियर है,
कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट भी है। और कभी हमारे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आएगा कि ये बड़ा अच्छा फौजदारी का वकील भी है, इंजीनियर है। और जो वकील है वो इंजीनियर नहीं है, जो अंग्रेजी में काबिल है वो उर्दू नहीं जानता है, जो उर्दू में काबिल है वो अंग्रेजी में पक्का नहीं है। इल्म की कोई एक ब्रांच में आदमी को कुछ हुसूल होता है और वो हमारी दुनिया में आलिम कहलाता है। और हमारे आपने ये वो लोग हैं जिनमें इल्म उतरा हुआ है, जिनमें इल्म उतरा हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए कि दरिया के किनारे प्याले रखे हुए हैं और हर एक में थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, किसी में आधा लीटर पानी है, किसी में एक लीटर पानी है, किसी में चौथाई लीटर पानी है, किसी में कितना है, किसी में कितना है, अपने इतने अपने पानी भरे हुए हैं। ये समझिए दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इन सब का पानी मिला लीजिए तब भी दरिया के पानी के मुकाबले में कुछ नहीं है। फरमाया हमने तो मामला मियाँ ये है कि हम तो इस दुनिया में आते हैं तो कुरान ने हमारे इल्म को इल्म माने ही नहीं है। है क्या बताऊँ हमारी हैसियत क्या है। कुरान ने हमको देख के कहा मम्मा उती तुम इल्म इल्ला कलीला, तुमको इल्म नहीं दिया गया मगर जरा सा, मगर जरा सा, बड़ा कम जर्फ है ये इंसान के जो जरा सा इल्म लेके अहले बैत के सामने आ जाता। कलीला, तुम्हें इल्म नहीं दिया गया, नहीं मिला तुम्हें जरा। जैसे किसी प्यासे के जरा से होंठ तर कर दिए जाए पानी से, बस। और कुरान की तावील कौन जानता है, पर रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में उतरे हुए हैं। इल्म की कोई हद ही नहीं है। इल्म वो समंदर है जिसके किनारे ही नहीं है। जितना आगे बढ़ते जाइए किनारे का पता नहीं, जितना आगे बढ़ते जाइए किनारे का पता नहीं। इल्म वो शय है कि जिसकी हद नहीं। इल्म ऐने ज़ात है, अल्लाह आलिम है जी। मोहम्मद वाले मोहम्मद का इल्म कोई हद नहीं इल्म की। कायनात में जो रंगारंगी है इल्म की वजह से, हवाओं में इंसान की परवाज इल्म की वजह से,
समंदरों में रास्ते तलाश करना इल्म की बदौलत, अस्पतालों में बीमारों का इलाज इल्म की रौनक, तहकीकात का आगे बढ़ना इल्म की वजह से, मोबाइल फोन इल्म की ईजाद, लैपटॉप इल्म की ईजाद, न जाने कितनी चीजें इल्म भी ईजाद करता जाएगा। ये जरा सा इल्म है जो ये सब कर रहा है, ये जरा सा इल्म है जो ये सब कर रहा है। तो जरा से इल्म के तो ये करिश्मे हैं कि दुनिया महवे हैरत हुई जा रही है। सितारों बजा रहा है, खला में गया आदमी तो एक धूम हो गई। हमारी नौजवानी थी कि आदमी स्पेस में चला गया, दूसरी जस्त में वो चांद पर चला गया, तीसरी जस्त में मरीख पर चला गया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ जाए। ये जरा से इल्म की बरकत है कि जो आदमी सितारों पर जाता है और बहुत सा इल्म मिल जाए तो सितारे को टेढ़ी पर बुलाता है। सारी रंगारंगी और सारी रौनक और सारा हुस्न इल्म की वजह से। और क्या कहना इल्म का कि अगर चुप रहे तो कुरान कहलाता है और बोले तो अहले बैत बन जाता है। यह है मैं तो राज़िकून फिल इल्म, और वो लोग कि जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं, इल्म के अंदर रासिख हैं। अब इल्म के अंदर उतरे हुए हैं ये क्या मतलब हुआ? देखिए, इल्म की कोई हद नहीं है। एक आदमी प्यासा है, मिसाल सुनिए और बात आगे बढ़े। एक आदमी प्यासा है और वो दरिया के पास गया और दरिया से उसने चुल्लू भर भर के वो पानी पीना शुरू किया। यहां तक के वो बहुत प्यासा था, जितना उसकी प्यास थी उसने पानी पी लिया। कुछ अंदाजा है आपको कि इसने कितना पानी पिया? एक प्यासे आदमी ने जब दरिया किनारे पहुंचा और पानी पिया वहां, तो कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने कितना पानी पिया? एक लीटर पी लिया होगा, डेढ़ लीटर पी लिया होगा, इससे ज्यादा एक आदमी पानी पी नहीं सकता। यानी एक आदमी के अंदर यह मुमकिन नहीं है कि वो 10 लीटर पानी पी जाए एक वक्त में।
दस लीटर पानी एक आदमी एक वक्त में बैठ के पी जाए एक सिटिंग में, ये नहीं हो सकता है। बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है तो एक लीटर पी जाएगा या एक लीटर से थोड़ा सा ज्यादा पी जाएगा, बस ये हमारा इल्म है, ये इल्म इंसान है। भाई एक लीटर पी लिया, छक के पी लिया, दिल भर के पी लिया, जितना पी सकते थे उतना पी लिया हैं, और पी के उठ खड़े हुए और दरिया बह रहा है। ये तो हमारी पोजीशन है। और वर्रासखूना फिर इल्म, कितने कौन लोग हैं, तो हमने कितना पानी पिया उनका, भाई मैक्सिमम अगर पिया होगा तो 1.5 लीटर, ये भी हम हद से सिवा बता रहे हैं। 1.5 लीटर आदमी पी ना पाएगा एक वक्त, 1 लीटर या 1 लीटर से एक आध घूंट ज्यादा पी लिया होगा, लेकिन चलिए हम माने लेते हैं कि उसने 1.5 लीटर पानी पी लिया। तो दरिया बह रहा था गंगा और उसने 1.5 लीटर पानी पी लिया उसमें से, तो कहते हैं खूब छक के पी लिया, सैराब होके पी लिया, खूब पानी पी लिया। और दूसरा आदमी उसी दरिया में नहा रहा है, ये कितने पानी में है, 1 लीटर पानी में नहा रहा है कि 2 लीटर पानी में नहा रहा है कि 2000 लीटर पानी में नहा रहा है कि 2 लाख लीटर पानी में नहा रहा है। ये दरिया के अंदर जो पैर रहा है गंगा के अंदर, ये कितना पानी है जिसके अंदर पैर रहा है। अजीजान गिरामी, हम में और अहले बैत में फर्क यह है कि इल्म हमारे अंदर है, यह अहले इल्म के अंदर थे। वर्रासखूना फिल इल्म, तो अजीजान गिरामी कुरान इल्म है और अहले बैत वो हैं कि जिनके जरिए से इल्म बढ़ता है और तकसीम होता है। ये मैंने तमहीद के तौर पर आज आपके सामने सिर्फ ये कहा कि रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम कोई न दे कि वो हमको हिदायत का रास्ता बता के नहीं गए। उन्होंने नहायत वाज़े अल्फाज में, नहायत क्लियर कट हिदायत का रास्ता बता दिया है। अब हम माने या न माने, हम समझें या न समझें, हम उसको एक्सेप्ट करें या न करें, हुकूमत की तमन्ना, दौलत की ख्वाहिश, इख्तदार की हवस, ज़र जवाहर की आरजू हमको मज़हब से दूर कर दे, कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए रह जाए, अहले बैत का नाम सिर्फ नाम लेने के लिए रह जाए, तो ये हमारा अपना फेल है और इससे इस्लाम और मज़हब और शरीयत बदनाम होती है। वरना इस्लाम को बचाने वाले और दीन को संभालने वाले रसूल के अहले बैत रहे, जिन्होंने हर वक्त खतरों और मुसीबतों में, परेशानियों में हुकूमतों से टकरा के जाने दे के जहर के प्याले पी के औलादों को कुर्बान करके दीन को बचाया। अजीजाने गिरामी, आज मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया, कल से इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने का आगाज हो जाएगा, मुहर्रम की पहली तारीख कल है और हमारे घरों में सफेदा आज से बिछ गया।
चांद रात आ गई, हमारे घर में हुसैन मेहमान आ गए। और चांद रात आते आते चाहने वालों का जब मैं गफीर, बहुत बड़ी तादाद सैयदा को फुर्सत देने निकल आई। अजीदानी गिरामी, करबला जिसकी याद आप मनाएंगे और जिसकी याद आप मनाते आए हैं, ये एक मौजज़ा है। और ये एक ऐसा मौजज़ा है कि इसका शुमार उन मौजज़ों में नहीं है कि सूरज का पलट आना, यह दरिया का रास्ते दे देना, या आग का ठंडा हो जाना, वगैरह वगैरह। इसलिए कि ये वो मौजज़े हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक में है और इनके मौजज़ा होने पर हमें यकीन है। अगर कुरान पर ईमान है तो उस पर भी यकीन रखना पड़ेगा। लेकिन यकीन इसलिए है कि कुरान में ज़िक्र है, यकीन इसलिए नहीं है कि हमने आँख से देखा है। ना हमने दरिया में रास्ते बनते देखे, ना हमने आग को ठंडा होते देखा, ना हमने सूरज को मग़रिब से पलटते देखा। लेकिन मुहर्रम में जो मौजज़ा होता है वो हर साल दिखाई देता है, और हर साल हम अपनी आँखों से देखते हैं और उसमें शरीक होते हैं। गम की फितरत ये है कि जब ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं तो आदमी गम को भूल जाता है, चाहे वो अपने माँ बाप का गम हो, या अपने बहन भाई का गम हो, या अपनी औलाद का गम हो, या अपने दोस्त का गम हो। ज़माने के गुज़रने के साथ आदमी के दिल से गमों की यादें हल्की हो जाती। करबला का गम वो है कि जिसकी याद हल्की नहीं होती। क्या ये हैरत अंगेज़ बात नहीं है और क्या ये मौजज़ा नहीं है? दूसरी बात यह है कि दुनिया में जो वाक़े होते हैं, तारीख उन पर अपनी गर्द डाल देती है। नतीजा ये होता है कि जो तारीख में तलाश करता है उसको तो वो वाक़े मिलते हैं, अलबत्ता अवामुन्नास उन वाक़ियात से बेखबर रहते हैं। 1400 बरस पुराना वाकया हर बच्चे को याद हो, यह हैरत अंगेज़ बात है। मालूम हुआ करबला के वाकये में ज़िंदा रहने की इतनी बड़ी ताकत है कि 1400 बरस से उसी आबोताब से ज़िंदा है। और अज़ीज़ाने गिरामी, एक चीज़ इसके अंदर और भी गौर कर लीजिएगा, और वो ये है कि वाकई करबला अकेला ज़िंदा नहीं है, अपने साथ पूरी तारीख़ इस्लाम को ज़िंदा किए है। अगर ये वाकया न बयान होता तो न बद्र बयान होती, न खंदक बयान होती, न खैबर बयान होता, न उहद बयान होता, न मुबाहला बयान होता, न शब हिजरत बयान होती, न हज़रत मूसा का वाकया बयान होता, न हज़रत ईसा का वाकया बयान होता। आदम से लेके इस वक्त तक की पूरी रिलीजियस हिस्ट्री को जो शायद जिंदा किए हुए है उसका नाम है करबला।
जो आपको हर साल सुनने को मिल जाते हैं वाकयात, अखलाकी बातें, मजहबी बातें, फिकही बातें, तारीखी बातें, ये सिर्फ करबला की वजह से। मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो चुका है, यही वो चांद है जिसमें फातिमा का चांद डूबा। यही वो चांद है जिसमें रबाब का चांद तीर खा के सो गया। यही वो चांद है जिसमें लैला का चांद जाके ना आया। और अजीजाने गिरामी, यही वो चांद है जिसमें बनी हाशिम का चांद फुरात के किनारे गुरूब हो गया। आसमान पर निकलने वाले मुहर्रम के चांद, फातिमा के चांदों का पुरसा ले ले। मोहम्मद के घराने के चांद तुझमें गुरूब हो गए। अखलाक व इंसानियत के चांद तुझमें डूब गए। वफा व मुरव्वत के चांद हमेशा के लिए सो गए। अजीजाने गिरामी, मुहर्रम की आज चांद रात है। अभी हुसैन का काफिला करबला नहीं पहुंचा है, अभी यह काफिला रास्ते में है। कल पहली मुहर्रम वो तारीख है कि जब इमाम अली मकाम के नासिरों ने तकबीर का नारा बुलंद किया तो किसी ने पूछा कि क्या बात है। क्या हम किसी बस्ती में पहुंचने वाले हैं, सामने कुछ खजूर के दरख्त दिखाई दे रहे हैं। इमाम ने नज़र उठाई और निगाह इमामत कभी धोखा नहीं खाती, फरमाया तुम गलत समझ रहे हो, बस्ती नहीं है, ये लश्कर आ रहा है हमारी तरफ और ये नैज़ों की अनियाँ हैं जिनको तुम खजूर के दरख्त समझ रहे हो। चंद लम्हे गुजरे, लश्कर करीब आया, कौल इमाम की तस्दीक हो गई, मालूम दुश्मन का लश्कर चला आ रहा है। लेकिन आलम यह है कि प्यास से सबकी जबानें निकली हुई हैं। बेहतरीन मौका था प्यासे दुश्मन को मार के अपनी शजाअत की धाक जमा लेना, लेकिन ये वो करता जो हुकूमत लेने के लिए जा रहा था, जो सुबह क़यामत तक के लिए हक़ व बातिल का फैसला करने जा रहा था, उससे आप ये उम्मीद न रखिए। हुसैन ने प्यासे दुश्मन को देखा, साकी कौसर के लाल ने अपने जवान भाई को हुक्म दिया, अब्बास भैया ये प्यासे बहुत हैं, इनको पानी पिलाओ। अनकंडीशनल, गैर मशरूत। मशकें खुलने लगी, दुश्मन पानी पीने लगा, उखड़ी हुई सांसें काबू में आने लगी, वो जबानें जो प्यास से बाहर निकल आई थी वो दहन में वापस चली गई। एक शख्स मुहाजिर इब्ने औस, तारीख में उसका नाम लिखा है, वो कहता है कि मैं इतना प्यासा था कि जब मुझको प्यास पानी की मशक दी गई तो मैंने बौखला के इस तरह खोली कि सारा पानी गिर गया, मैं नहीं पी पाया। कहा फौरन आदमी ने मुझे दूसरी मशक दी,
मैं वो मश भी ना पी सका उससे, उसका ही पानी मैंने ज़ाया कर दिया, ऐसी बौखलाहट थी मुझे। कहता मैंने देखा कि एक साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो खुद उठे, उन्होंने एक मश्क उतारी, उसका दहाना खोला और बड़े प्यार से अपने हाथ से मुझे पानी पिलाया। कहले जब मैं शेर हो गया और मेरे होशो आवाज दुरुस्त हो गए और मैंने पानी पी लिया, तो मैंने एक शख्स से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन है, ये कौन साहब हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे पानी पिलाया। तो उसने कहा अरे तुम इनको नहीं पहचानते, यही तो हुसैन इब्ने अली हैं। नवाज़े रसूल साकी कौसर के दिलबंद हुसैन यही हैं। मैं कहूंगा हाँ, पहली मुहर्रम को हुसैन दुश्मन को पानी पिला रहे थे, दसवीं मुहर्रम को हुसैन अली अजहर को हाथों में लिए खड़े। ठीक 10 दिन का फर्क है अजीजान गिरामी, पहली मुहर्रम को दुश्मन को जिसने पानी पिलाया, 10वीं मुहर्रम को अपने 6 महीने के बच्चे को लिए खड़ा था। एक और अगर मैं खतावार हूं तो ये बच्चा तो मासूम है, इसे पानी पिला दे। एक 3 भाल का तीर आया, अली असगर के गले पर लगा, बच्चे को हुसैन ने गले दे।